जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव